वी द पीपल समण संघ, जब हम कहते हैं कि संघ है और संघ से पहले समण लगाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि समण के संघ भी अगेंस्ट में कोई ना कोई संघ पहले से है या आगे आ सकता है। सबसे पहले यह समझें कि संघ में और संगठन में अंतर क्या है। जितने भी संगठन भारत में हैं, जो हमारे अपने लोगों के हैं, एससी एसटी या ओबीसी के हैं, दरअसल वो सारे के सारे संगठन जो उनका स्ट्रक्चर है वो मनुस्मृति पे आधारित है, वो राजतंत्र पर आधारित है, वो व्यक्तिवाद पर आधारित है। कैसे आधारित है? राजतंत्र के अंदर एक राजा होता है, एक रानी होती है, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे राज को संभालते हैं। कई बार वो राज का बंटवारा भी करते हैं, इससे राज्य टूटता है। जो मनुस्मृति है उसमें जितना भी वर्णन है वो राजा और रानी का है। यानी कि कोई राजा है, उसका एक दरबार है, उसमें एक महामंत्री है उसका, जिसको महामात्य बोला जाता है, उसका एक खजांची है, कैशियर है, कुछ उसके दरबारी हैं, चापलूस हैं, और पूरा दरबार लगता है। उसमें जनता की भागीदारी नहीं है, प्रजा की भागीदारी नहीं है। प्रजा को सिर्फ एक काम देता है राजा कि आप मेहनत करें, अनाज उत्पन्न करें, और उसका लगान टैक्स या रेवेन्यू राजा को साल दर साल दें। चाहे अकाल पड़े, चाहे भुखमरी पड़े, चाहे काम हो या ना हो, राजा को टैक्स से मतलब है। और सारे दरबारी और राजा राजमहल बनाते रहते हैं और पूरा का पूरा उस रेवेन्यू का मजा लेते रहते हैं, और प्रजा वहीं की वहीं गरीब पर गरीब होती रहती है, वो भूखी प्यासी मरती रहती है। ये पूरा सिस्टम राजा का होता है, जो मनुस्मृति जिसको कहती है। और व्यक्तिवाद क्या होता है? व्यक्तिवाद होता है कि कोई व्यक्ति जब कोई लोगों का समूह इकट्ठा करता है और संगठन बनाता है, तो उस संगठन को जब वो चलाता है और जब वो बूढ़ा होता है तो क्या करता है? या तो वो कोई जमीन जायदाद बना लेता है कोई ट्रस्ट के नाम पर, या कोई बिल्डिंग बना लेता है ऑफिस के नाम पर, या सामाजिक कोई केंद्र के नाम पर कुछ जमीन जायदाद बना लेता है, कोई हॉस्टल या कोई सामाजिक केंद्र या कोई सांस्कृतिक केंद्र, कुछ भी नाम लेकर वो लोगों से पैसा इकट्ठा करके जमीन जायदाद बनाता है और उसका ट्रस्ट होकर वो खुद उसका मालिक होता है। और उसके बाद उसके बच्चे मालिक होते हैं, उसके बाद उसके बच्चे मालिक होते हैं, वो जायदाद उनकी होती है। या वो उस समूह का या उस संगठन का या उस पार्टी का जब बूढ़ा होता है तो अपने किसी रिश्तेदार को या अपने पुत्र को या अपने बेटे को या बहुत सारे रिश्तेदारों को ले आता है। या कई बार उनके रिश्तेदारों में झगड़ा होता है, उनके बेटों में झगड़ा होता है या बेटियों में झगड़ा होता है, और वो संगठन या जो पार्टी जो भी समूह बना है ग्रुप बना है वो कई हिस्सों में टूट जाता है। ये व्यक्तिवाद है क्योंकि इसमें व्यक्ति की चलती है। तो ये तीनों जो सिनोरियो है, व्यक्तिवाद है या मनुस्मृतिवाद है और या फिर राजतंत्र है, ये तीनों एक हैं। बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रीकृत है, तो व्यक्तिवाद में आता है। तो उसके परिणाम भी वैसे ही आने होते हैं क्योंकि उसमें जनता की भागीदारी है नहीं। जैसे आज के समय जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन है, जो समण समाज के यानी एससी एसटी ओबीसी के हैं, या सामाजिक संगठन है, या लड़कों के दल बल सेना, इस तरह के पैंथर पार्टी जो बना रखा है, ब्रिगेड वगैरह, उनके संगठन हैं या उनके ग्रुप हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जितने भी लोग हैं इन सबका स्ट्रक्चर वहीं से आया हुआ है, तो परिणाम भी वहीं से आने हैं। इनकी नियति है, इनका लास्ट रिजल्ट है, इनका अल्टीमेट जो रिजल्ट आना है वो ये चाहें या ना चाहें, मगर वो टूटने में आएगा, टूटेगा वो। यानी उनकी जो सत्ता, जो सल्तनत या जो भी कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है, पैसा रुपया या जमीन जायदाद या नाम या फेम, वो सारा का सारा आगे जाके डिवाइड होता जाता है। उसी का परिणाम है जो आज लोग कहते हैं कि 29 लाख संगठन हैं जो एक्टिव हैं और 31 लाख संगठन लगभग पूरे भारत में हैं, 29 लाख हमारे बताए जाते हैं। तो वो टूटने ही टूटने हैं, चाहे आप उनका कोई ब्लेम कुछ भी करें कि ये प्रधानी की वजह से टूट गए, ईगो की वजह से टूट गए, लालच की वजह से टूट गए, या कोई सेक्स का स्कैंडल हो गया उसकी वजह से टूट गए, या कहीं अपॉर्चुनिटी मौका नहीं मिला उसकी वजह से टूट गए, वो सारे बहाने हो सकते हैं, मगर स्ट्रक्चर ही उनका खराब है। तो हमारा स्ट्रक्चर ये है नहीं, हमारा स्ट्रक्चर तो वो है जो बुद्ध ने बनाया था। बुद्ध ने सारा का सारा स्ट्रक्चर जो बनाया वो
कलेक्टिव लीडरशिप पर बनाया संघवाद पर, और वो भी संघ के अधीन आते थे, इसलिए वो स्ट्रक्चर आज भी चलता है पूरी दुनिया में, जिसमें 350 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं जो धर्म को फॉलो करते हैं, और सारे भिक्कू पूरे भारत में और पूरी दुनिया के अंदर वो धर्म को चलाते हैं। वो जो स्ट्रक्चर है संघ पर आधारित है, उसी की बदौलत अशोक ने इस छोटे से भारत को महाभारत में रच डाला, और महाभारत की रचयिता सम्राट अशोक ने उसी फिलॉसफी को अपनाया संघवाद की, जो बुद्ध ने डेवलप की। बुद्ध ने डेवलप की तब खाली इसका नाम संघवाद था, यानी संघ की ये पॉलिसी थी, उसमें सब लोग आते थे, समण भी आते थे और वमण भी आते थे। वम का मतलब है विपरीत और सम का मतलब है समता वाले, तो समता वाले लोग भी थे और जो समता के विपरीत लोग थे दोनों को सिखाते थे, क्योंकि बुद्ध तो आप जानते हैं कि भेदभाव कर नहीं सकते, इसलिए संघ एक हुआ करता था। और संघ में जो आ गया फिर वो संघ का होकर रहता था, वो उस समतावादी का ही होकर रहता था, फिर वो वमण नहीं हो सकता था, यानी विपरीत नहीं जा सकता था। समण में आने के बाद, संघ में आने के बाद विपरीत मन वाला भी समण में समता के मन में उसको आना होता था, यही संघ का नियम था, तो उसको समण संघ बोला करते थे। तो उस समण संघ की वजह से जब ये पूरा भारत बहुत बड़ा महाभारत बना, फिर बाद में जब वो संघ के नियम टूटे तो भारत के जितने लोग थे वो गरीब हो गए, उनकी सारी जायदाद चली गई, जो पढ़े लिखे थे पत्थर की किताब पढ़ा करते थे उस समय जो अशोक ने लिखवाई थी, वो सारे अनपढ़ हो गए, उनका व्यापार चला गया, जो 26% GDP पूरी दुनिया का भारत में था वो खत्म हो गया, जो यूनिवर्सिटियां 12 थी, जो विश्वविख्यात यूनिवर्सिटियां थी वो रून हो गई, बेकार हो गई, खत्म हो गई, जो यहां का कल्चर था वो खत्म हो गया। तो जैसे संघ टूटा, अलग अलग लोग हुए, वैसे ही वो सारी चीजें हो गई, और संघ टूटते ही जैसे व्यक्तिवाद या मनुस्मृतिवाद या राजा राजतंत्रवाद आया, वैसे ही देश के टुकड़े होने शुरू हो गए और देश कबीलों में टूट गया, यहां तक कि ऐसे छोटे 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 6,743 जातियों तक में भी वो टूट गया। मगर जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर ने उस संघवाद को दोबारा से अप्लाई किया, दोबारा से इकट्ठा किया, दोबारा से लागू किया, और वो देश में चला संविधान के नाम से, गणराज्य भारत गणराज्य संघ के नाम से, वैसे ही पूरा का पूरा भारत फिर दोबारा से जुड़ गया, और भारत आज तक भी जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत जब तक संघ में रहेगा तब तक जुड़ा रहेगा, और जब संविधान हट जाएगा इसमें और व्यक्तिवाद आ जाएगा या मनुस्मृतिवाद आ जाएगा या राजतंत्रवाद आ जाएगा या इस रूप में आ जाए कि कुछ लोगों के पास, 2-3 लोगों के पास सारा पैसा आ जाए, वो भी व्यक्तिवाद और पैसावाद है, तो वो सारा का सारा फिर दोबारा से टूटेगा और ये छोटे 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 टुकड़ों में बट जाएगा संविधान के हटते ही। इसलिए जितने भी संगठन हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो लेते हैं और वो कहते हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा और हम करेंगे पूरा, और वो कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन हम आगे बढ़ाएंगे, मगर वो मिशन को पीछे लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बाबा साहब ने कोई जाति का संगठन नहीं बनाया, कोई महार का संगठन नहीं बनाया, बाबा साहब ने सारी 6,743 जातियों को 3 बड़े बड़े हिस्सों में इकट्ठा कर दिया, SC ST और OBC, और आदेश दिया कारवां आगे बढ़ाना है। जब कारवां आगे बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, SC ST OBC को समण बनाना है, समण समाज बनाना है, या आपने बहुजन समाज बनाना है, या मूल निवासी समाज बनाना है, या एबोरिजिनी बनाना है, या इंडिजिनियस बनाना है, मतलब आपने उनको एक करना है किसी भी हालत में। और आपने क्या किया, आपने वो जातियों की पिटारी दोबारा से खोल दी और जातियों के संगठन बना के गर्व करने लगे। दरअसल आपने बाबा साहब की पीठ में चक्कू मारा है, आप बाबा साहब की रोज हत्या करते हैं, जब बाबा साहब का फोटो लगाते हैं और फोटो लगा के कहते हैं कि हम जय भीम वाले हैं, हम अंबेडकरवादी हैं और हमारे सीने फलादी हैं और अंबेडकर का जितना मिशन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, हम उसको पूरा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और जोर जोर से 14 अप्रैल मनाते हैं, तो वो सारे के सारे जातिवादी लोग, जो जातिवादी संगठन या जातिवादी पार्टियां या जातिवादी जितने ग्रुप हैं, वो दरअसल बाबा साहब की आइडियोलॉजी को खत्म करने वाले लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कभी जातियों का कोई सिस्टम या कोई समूह या कोई ग्रुप या कोई सम्मेलन नहीं किया, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट का किया, शेड्यूल कास्ट का बड़ा ग्रुप था, और उन्होंने तो जो कल्पना दी है वो पूरी कल्पना समण समाज की दी है, प्रबुद्ध भारत की दी है। तो इसलिए लोगों को ये पता ही नहीं है, संगठन बनाने वालों को, कि वो काम किसका कर रहे हैं। दरअसल जब आप मनुस्मृति पर आधारित स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने संगठन का, व्यक्तिवाद पर आधारित बनाएंगे, जब राजतंत्र पर आधारित बनाएंगे, जब पैसों जो पैसावाद है उस पर आधारित बनाएंगे, तो परिणाम तो उन्हीं के फेवर में जाएंगे।
तो जिसको आप दुश्मन दुश्मन करते हैं, दरअसल आप तो दुश्मन का काम कर रहे हैं, आप तो उसी की आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उसी के सिस्टम को अपना रहे हैं, और आप कोशिश ये करते हैं कि मनुवाद का जो स्ट्रक्चर है उसको अपने संगठन में अप्लाई करके संविधानवाद का परिणाम आ जाए, संविधानवाद का रिजल्ट आ जाए। ऐसा तो असंभव है। किताब पढ़ोगे आप मैथमेटिक्स की तो रिजल्ट केमिस्ट्री का कैसे आएगा, तो रिजल्ट ज्योग्राफी का कैसे आएगा, तो रिजल्ट हिस्ट्री का कैसे आएगा। आप किताब पढ़ो हिंदी में और सोचो कि इंग्लिश आ जाए तो कैसे आ जाएगी। तो आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश की किताब पढ़नी पड़ेगी। छोटा सा सिद्धांत है, इसको बच्चा भी जानता है, इसलिए सारे संगठनों को सोचना चाहिए कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है और परिणाम क्यों नहीं आ रहे। तो वी द पीपल के जो साधारण लोग हैं उन्होंने ये पाया और ये देखा कि भाई संघ से लड़ना है तो संघवाद आना चाहिए, और संगठन से लड़ना है तो संगठनवाद आना चाहिए, और अगर ग्रुप से लड़ना है तो ग्रुपवाद आना चाहिए, और व्यक्ति से लड़ना है तो व्यक्तिवाद आना चाहिए, और विचारों से लड़ना है तो विचारवाद आना चाहिए, और पैसों से लड़ना है तो पैसावाद आना चाहिए। जब तक आप सही टूल का और सही जगह का और सही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप हारेंगे ही, जीत तो आप सकते नहीं, क्योंकि आप गलत टूल से गलत बोल्ट को खोल रहे हैं और वो खुलेगा नहीं, टूट जाएगा। इसलिए जो समण संघ है दरअसल ये ओरिजिनल संघ है, जो बुद्ध का संघ है, क्योंकि बुद्ध स्वयं भी समण थे और उसमें जो भी लोग आते थे वो समण हो जाते थे। तो कोई वमण संघ आज तक है नहीं, तो सारा समण संघ है। तो हमारा जो समण संघ है या जो हम लोगों का है उसको झाड़ के पहुंच के बाबा साहब अंबेडकर ने निकाला। इसके जो फाउंडर हैं वो बुद्ध हैं, और बुद्ध से पहले भी लोग रहे हैं, क्योंकि बुद्ध से पहले जो वैशाली में गणतंत्र था, जो वज्जी लोगों का था या जो शाक्य लोगों का था, वो यही सिस्टम था, संघवाद था। इसलिए बुद्ध भी इसके फाउंडर हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। पुराने हमारे जितने सभ्यता के लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, जो एबोरिजिनी हैं, जो समण लोग हैं, वही इसके फाउंडर हैं। बुद्ध ने भी इसको आगे बढ़ाया और बाबा साहब ने इसको दोबारा से खोद कर निकाला। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने समण संघ को दोबारा से आए। समण संघ का जो नियम है वो सिंपल सा है कि भारत के अंदर जो व्यक्ति समण समाज में एससी एसटी ओबीसी में पैदा हुआ है वो व्यक्ति कहीं भी दुनिया में है वो इसका मेंबर है, और उसको समण समाज में आना ही पड़ेगा अगर उसको आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, अपने आप को बचाना है, अपनी शिक्षा को बचाना है, अपने व्यापार को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, बचाना है, तो उसे समण संघ का मेंबर बनना ही पड़ेगा। और इसका कोई मालिक नहीं है, क्योंकि समण संघ का कोई मालिक नहीं होता, संघ स्वयं संघ का मालिक होता है। यानी समण संघ का मालिक है। समण संघ में नियम जो बनते हैं वो समण संघ खुद बनाता है, और समण संघ अपने लिए अपने लोगों के लिए नियम बनाता है। ठीक वो जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी लोगों का है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, तो ये संघ उन्हीं का है। तो जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी उतनी जल्दी लोग समण संघवाद में आ जाएंगे, और फिर ये छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट, छोटी छोटी पार्टियां, या जो अपने आप को बड़ी भी कहती हैं या जो बड़े ग्रुप भी कहते हैं, किसी की भी पहुंच इतनी बड़ी नहीं है जो संघ से बड़ी हो, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। इसलिए जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर एट्रोसिटीज रुक जाएंगी, फिर आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो मिलना शुरू हो जाएगा, फिर जितनी चीजें खराब हुई हैं वो सारी मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो पहले खराब हुई हैं वो भी वापस आ जाएंगी, फिर यहां समानता, समण की समानता आ जाएगी, फिर आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ने के लिए नहीं कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है एजिटेट करना है, यानी कि संघर्ष करना है। और संघर्ष का मतलब ये होता है कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी संविधान में उतनी उसकी हिस्सेदारी। लड़ने में क्या होता है कि दो पक्ष अगर लड़ेंगे तो उसमें एक हारेगा एक जीतेगा, और हारता पक्ष वो है जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास में पढ़ाई लिखाई ना हो, जिसके पास में लोग इकट्ठे ना हो, जिसके पास में समझ कम हो, या जो पहले से दबा हुआ हो, उसके हारने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं कहा कि फाइट करना है, उन्होंने कहा एजिटेट करना है, आपने इकट्ठा होना है, इकट्ठा होते ही आपके राइट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे 2 अप्रैल 2018 को लोग सिर्फ इकट्ठे हुए और उनका एससी एसटी का जो एक अधिकार था वो सड़क पे आके बच गया, जबकि सारे नेता छोड़ के भाग गए थे, और कुछ संगठनों ने तो बाकायदा, कुछ ग्रुप ने तो बाकायदा लेटर भी जारी किया कि 2 अप्रैल के आंदोलन से उनका कोई लेना देना है नहीं, फिर भी लोग अपने अधिकार को बचाने के लिए सड़क पे आए, और सरकार ने ये बात मानी कि भाई लोगों की इच्छा है और संविधान लोगों से चलता है। दरअसल
संविधान की ताकत लोगों से है, लोग ही संविधान को ताकत देते हैं, संविधान से लोग नहीं है, लोगों से संविधान है। अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका संविधान मजबूत हो जाता है, और सारे लोग अगर तितर बितर हो जाते हैं तो उनका संविधान कमजोर हो जाता है, और अगर लोग इकट्ठे ना ही हुए तो फिर संविधान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इकट्ठे होते ही संविधान भी बच जाता है। इसलिए समण संघ बाकी जो संस्था या ग्रुप या जो संगठन कहते हैं उनसे डिफर करता है, उनसे अलग करता है। और डॉक्टर फूले, आप भी समण संघ के, और आपका जो चैनल है आवाज इंडिया चैनल है वो भी इसका मेंबर है, और जितने लोग हैं वो सारे इसके मेंबर हैं। इसका कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इसका मेंबर ना हो। इसका सिंबल है वी, वी द पीपल, यानी डब्ल्यू ई, जहां वी लिखा हुआ है इसका मतलब वो समण है और समण संघ का मेंबर है। धन्यवाद।